नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 1 मार्च 2023 बुधवार है। हम हर रोज की तरह निफ्टी की बात करेंगे। फ़र्क इतना ही है कि प्रायः हम शाम को ये वीडियो लगा लेते हैं और आज किसी कारणवश सुबह आपसे बात हो रही है। आज मैं आपको चार्ट जो दिखा रहा हूँ वो निफ्टी के 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट के चार्ट में हम बाजार का रुख देख रहे हैं। ये हाई लो, ओपन हाई लो क्लोज का चार्ट है और लाल का मतलब है बाजार का ट्रेंड नीचे है, ब्लू का मतलब है ट्रेंड ऊपर है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये बाजार का ट्रेंड नीचे था तो इस नीचे के ट्रेंड में बहुत अच्छा मूव आया एक, और ये दूसरी बार। और जब बाजार ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा था तो ये ट्रेंड जब ऊपर की तरफ गया तो सस्टेन नहीं कर पाया और ये वापस घूम गया इधर भी और कल भी। तो कुल मिलाकर 30 मिनट के चार्ट हमको ये बता रहे हैं कि बाजार का रुख इस समय मंदी का है। और 30 मिनट का चार्ट मैं इसलिए काम में ले रहा हूँ क्योंकि अब इस समय है ना, लेवल्स का कोई अर्थ नहीं रह गया। कोई लेवल है वो टूट जाता है, वहाँ कैसे बाउंस बैक करेगा, कर नहीं रहा है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि इंट्राडे में हम देख लें, जब तक बाजार का रुख मंदी का है या तो शॉर्ट करें या कुछ ना करें। जब बाजार के रुख में बदलाव आए, आप जो भी ट्रेंड का मेथड लें इंट्राडे में, जब बाजार के रुख में, जैसे मैं 30 मिनट का चार्ट ले रहा हूँ, इसमें बदलाव आए तभी खरीदने का मौका बनेगा। कुल मिलाकर इंट्राडे ट्रेंड पर ही काम करना चाहिए जब तक कि कोई और क्लियर सिग्नल ना मिले। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे कोई क्लियर सिग्नल और मिल नहीं रहे हैं तो इसी चार्ट पर काम करेंगे। आज ये संक्षिप्त का वीडियो है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कॉमेंट्स दीजिएगा। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज वेडनेसडे 1 मार्च 2023। यूजुअली वी मेक दिस वीडियो इन द इवनिंग बट फॉर डिफरेंट रीजन्स आई एम अपलोडिंग इट टुडे मॉर्निंग। इंस्टेड ऑफ द डेली चार्ट दैट वी समटाइम्स एंड यूजुअली टॉक अबाउट, दिस इज अ 30 मिनट चार्ट फॉर द निफ्टी। द 30 मिनट चार्ट इज नाउ इन अ ओपन हाई लो क्लोज फॉर्मेट बिकॉज कैंडल स्टिक्स विल नॉट टेल अस एनीथिंग एक्स्ट्रा। कैंडल्स आर मच मोर यूजफुल वैन वी यूज देम ऑन लार्जर टाइम फ्रेम्स, डेली एंड अबव। सो वैन यू सी दिस रेड कलर प्राइस बार्स, दे टेल अस दैट द ट्रेंड इज डाउन, एंड वैन यू सी द ब्लू कलर्स, यू दे टेल अस द ट्रेंड इज अप। यू कैन सी वैन द ट्रेंड टर्न डाउन, देर वॉज सस्टेन डाउन मूव वन एंड देन सेकेंड अगेन। बट वैन द ट्रेंड ट्राइड टू मूव अप, देर वॉज सिग्निफिकेंट सेलिंग एपरेंटली बिकॉज द ट्रेंड चेंज वेरी क्विकली हियर ऑल्सो एंड येस्टरडे ऑल्सो। So all said and done, on the daily chart the levels are no longer relevant because they are not existing at all. There are no clear patterns. So I am now stepping down on the 30-minute chart and going by the 30-minute trend till some more clarity comes on the daily. Now, if the trend is down on my 30-minute chart, I am looking to either go short or not do anything. If the trend changes to up, it's only then I will start looking to buy. Till then, that as I told you, the trade is to follow the trend, and which primarily seems to be on the downside. Then markets sometimes give us these difficult periods, and we have to accept that. And this too usually passes away. Thank you for watching this video. It's a brief video because markets are probably opening now. Please give your comments. Jai Hind.